तो बच्चों तुम्हारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है, कल सारे रिवीजन करके आना, ठीक है? ओके मैम। और तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी है? मेरे भाई ने ऋषिकेश में रिजॉर्ट खोला है अंबिका नाम से, और मैं तुम लोगों की वहाँ पे ट्रिप करवा सकती हूँ, वो भी फ्री में, जहाँ पर तुम्हें रहना खाना पीना सब फ्री होगा। बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री होगा तुम लोगों के लिए। अब तुम बताओ तुम्हें कब जाना है? आप बोलो तो हम कल ही निकल जाएंगे मैम। कल? तो ठीक है, कल तुम चारों निकल जाना, ठीक है? मैं अपने भाई को बोल के तुम्हारे जाने का अरेंजमेंट करवा दूंगी। मैं तो भी जाना है। चुप कर तू, तू कहीं नहीं जाएगा। तू नहीं जा पाएगा। अच्छा तो चलो फिर हम सब निकलते हैं, कल के लिए तैयारी भी तो कर ली है। मेरे को भी जाना है मम्मी। तेरे को कहीं नहीं जाना, तू यहीं रहेगा। मुझे नहीं पता, मेरे को भी जाना है। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा, अगर इन लोगों को खुश रखूंगी तो ये लोग ट्यूशन से कहीं नहीं जाएंगे, फीस भी टाइम पर देंगे, पैसा आएगा पैसा, समझ ना बुद्धू। हाँ पैसा आएगा पैसा। चल अब निकल। हाँ तो भाई सबने अपना अपना सामान रख लिया ना, चलो फिर चलते हैं। देखो इस ढाबे पे रुके हैं, जिसको जितना खाना पेट भर के खा लो, आगे कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा ऋषिकेश रुकेंगे फिर, ठीक है? अच्छा, पर मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। हाँ? मेरी मम्मी ने ना चूरमा भेजा हम सबके लिए। चूरमा? हाँ। कहाँ है चूरमा? पीछे बैग में। पीछे बैग में चूरमा है? हाँ। अच्छा अबे तोतले तू। हाँ क्या तोते थे बे, चलेगा नहीं, मैं लुकेगा नहीं ताला। अबे तू यहाँ डिक्की में कैसे आया, और तेरे को हम नहीं लेके जाने वाले? तो ती कफिल गलत होता हो। हाँ ठीक है चल वापिस छोड़ के आऊंगा तेरे को। चल आजा। अरे रुको, वापस कैसे छोड़ के आओगे, आधे रास्ते तो हम आ गए हैं। अबे यार पर इस तोतले के साथ कैसे एडजस्ट करोगे? यार एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा इसको। अरे यार कहाँ रह गया? ओए ये आ गया अंबिका रिसोर्ट। अबे यही तो है ना? अंबिका ही बोला था ना? हाँ यही है, चलो चलो। अरे बच्चों तुम आ गए। हाँ मामा जी हम आ गए। अरे बहुत बढ़िया हो गया बच्चों। अरे मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। तू यहाँ कैसे आ गया? अरे मामा जी गाली में ठुपके आ गया मैं तो। भाग यहाँ से, भाग। ठुपके आ गया, ठुपके आ गया। अरे तेरे को कहाँ सुलाऊंगा मैं, इन चारों को तो सुला दूंगा, बहन ने तो बताया नहीं तू भी आएगा। तो दाऊंगा यही। नहीं तो दाऊंगा, खर्चे पे खर्चा, मेरे को कंस मामा बनवा के मानेगा कमीना। चलो बच्चों ये तो बहुत बढ़िया हो गया तुम यहाँ पर आ गए। बच्चों ये रहे तुम्हारे रूम, जोन सा रूम तुम्हें बढ़िया लगे ना उसमें अपना अपना सामान रख लो, ठीक है? और ये रहा डाइनिंग रूम, इसमें दबा के खाना खाना, ठीक है बेटा? तो चले तू भी खा लियो। और बच्चों देखो पीछे रिसोर्ट में ना स्विमिंग पूल भी है, और मैंने वहां पर डीजे भी लगवा रखा है, आई बात समझ में? खूब एंजॉय करना। Yes! रिसोर्ट के पीछे नदी है, वहां पर जरूर जाना।
अरे वाह मामा जी, रिजोर्ट तो काफी अच्छा बनाया आपने। कल तुम सारों को ना मैं ऋषिकेश घुमाने ले चलूंगा, ठीक है? अरे बस करो मामा जी, इतनी तकलीफ उठाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना इनके साथ, इन सबको ऋषिकेश में इतना घुमा दूंगा कि घूम घूम के चक्कर खा के गिर जाएंगे। अरे बेटा इनको इतना घुमा दी, इन्होंने सोची ना होगी। आई बात समझ में? बिल्कुल मामा जी, गूगल पे पूरा ऋषिकेश देख के आया हूँ। तुम सब चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? अबे चल चुप कर, इसी बात की तो चिंता है। चलो बच्चों कोई नहीं, ठीक है, रूम से अपना सामान रखो, मैं अभी कुछ काम जा रहा हूँ बाहर, ठीक है? ओके, उठाओ बैग, निकलो। आ जाओ, तोतला नहीं है। अभी जल्दी आना, रुको। अब नहीं आ पाएगा वो तोतला पीछे। छिड़ा पीछा, अब पूरा दिन आराम से घूमेंगे उसके बिना। हाँ, हमेशा परेशान करके रख देता था, है ना? सही कह रही है, अब आएगा मजा तो। और वो देखो पानी, चलो पानी में चलते हैं ना। हाँ, चलो जल्दी चलो। चलो रुको, अगर ठंडा हुआ पानी तो यार आ जाएगी नानी। गहरा भी तो हो सकता है, चेक कर लें क्या? अरे नहीं, क्या पता डूब जाऊं मैं चेक करने के चक्कर में। अरे मैं पी लूंगी। अरे नहीं, अबे डूब जाएगी तो। अरे वो देख, वो आदमी उससे पूछते हैं ना। अरे वो तो जल परी है। अबे जल परी नहीं है, मंदबुद्धि। तो जल परा होगा, जाओ यहां से। मैं तो रहने दे। अबे भाई साहब पानी ठंडा तो नहीं है, गहरा तो नहीं है? ठंडा। हाँ नहीं, डाला नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। जोर का झटका हाय जोरों से लगा। अबे तोतला यहाँ भी आ गया। वे यार सही छोड़ के आए थे इसको। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ तोतले? मट्टी पकड़ रहा हूँ, मट्टी। हाँ मट्टी पकड़ रहा है? अरे वो चाय के साथ मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। अरे मट्टी नहीं, मट्टी पकड़ रहा हूँ, मट्टी जल्दी लानी। अच्छा मछली। ओके गॉट इट। अबे तो मछली पकड़ियो, चलो ना हम चलते हैं अलग। पहाड़ों में खो गया, गुनगुनाती ये हवाएं गा रही है। तो देखो मैं तुम्हें लेके आया हूँ लक्ष्मण झूला पे। अच्छा? हाँ। वाओ, वैसे तुझे पता है? मुझे पता है इसे लक्ष्मण झूला क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? ओफो, क्योंकि लक्ष्मण जी इस पे झूलते हैं ना, मन बुद्धि हो। अबे ओ मेंढक सी शक्ल की, चुप। मैं बताता हूँ इसे लक्ष्मण झूला क्यों कहते हैं। हाँ। और इसकी एक खास बात बताता हूँ पहले तुम्हें। अगर इस झूले पर कोई भी पापी इंसान, मतलब जिसने अपनी जिंदगी में छोटा सा अगर छोटा सा भी पाप किया ना, और इस झूले पर वो कदम रखेगा तो ये झूला पलट जाएगा और सीधा गंगा में गिरा देगा उसे। गंगा में, समझ रहे हो तुम? मतलब गंगा में गिरने का मतलब मर जाओगे। तो देख लो भाई, मैंने तो अपनी जिंदगी में पाप किए नहीं, मैं इस बात से हूँ श्योर। तो मैं जा रहा हूँ इस झूले पर, बाकी तुम अपना देख लेना, ठीक है? मैं कूद रहा हूँ। ये लो मैं आ गया। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं पलटा ना? अरे एक भी पाप नहीं किया मैंने जिंदगी में। मतलब इसने कोई पाप नहीं किया? यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा सिद्धि इंसान है। पर मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने तो फर्स्ट क्लास में पेंसिल चुराई थी। अरे यार मैं तो झूले पे जा ही नहीं सकती क्योंकि मैंने तो इतने सारे झूठ बोले हैं
और झूठ बोलना तो सबसे बड़ा पाप होता है। अले यार, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने तो लॉलीपॉप तुलाई थी। हम नहीं जाएंगे। अरे रुको रुको रुको। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, ये झूला खाली हिलता है, पलटता है नहीं। आ जाओ पापियो। हाँ तो भाई, लक्ष्मण झूला पे जाके मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। वैसे यहाँ से एक चीज देख ली, तुम लोग डरते बहुत हो। तू डरा था, हम नहीं डरे थे। अच्छा, अगर नहीं डरते तो राफ्टिंग करने चलोगे? राफ्टिंग? राफ्टिंग क्या होता है? अरे राफ्टिंग, तुमने कभी तैरती हुई बोट नहीं देखी क्या? गंगा की लहरों में वो बोट तैरेगी और उन लहरों में वो पलट भी जाती है, और पलटने के बाद हम तैरेंगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, मैं वैसे ही बॉल जैसी हूँ, अगर पानी में डूब गई तो। अरे बॉल थोड़ी ना डूबती है। नहीं नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी भाई, मैं भी नहीं जाऊंगी, बहुत ठंडा होता है गंगा का पानी। नहीं नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे चलेंगे ना? नहीं 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 नहीं। हाँ नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं। अबे चुप। यार सुनो, मुझे लग रहा है बहुत मजा आने वाला है। सही कह रही यार, तू बहुत मजा आएगा। हाँ मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। मैं तो पानी में इतना तैरूंगी बस, बता नहीं सकती। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पानी ज्यादा गहरा हुआ तो मैं डूब जाऊंगा। अबे ओ फसू, तू ही तो हमें यहाँ लेके आया था ना, राफ्टिंग करूंगा, पानी में तैरूंगा, अब क्या हो गया तुझे है? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं वापिस जा रहा हूँ। हाँ भाई, क्यों वो पहाड़ की चोटी दिख रही है? दिख ही रहा होगा ना, अंधे थोड़ी है। तो लगा रहे हो मेरे साथ रेस कि उस पहाड़ की चोटी को सबसे पहले कौन छुएगा? सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगी, क्योंकि मैं पापा की परी हूँ, उड़ के चली जाऊंगी। मेरे पास तो अली फ्लैल वाला कोट भी है, मैं तो सबसे पहले उड़ के पहुंच जाऊंगी। तुम में से कोई नहीं जा सकता, सबसे पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ट्रैकिंग वाले कपड़े हैं, और हाँ मेरी मम्मी ने मुझे ट्रैकिंग वाले दूध भी दिलाए हैं, अपने आप डोलता हूँ मैं। ओए तू पहले बोलना सीख ले। अच्छा वैसे मैं क्या कह रही थी, तुम सारे ना उस पहाड़ पे चले जाना और मैं यहाँ बैठ के तुम्हें देख लूंगी, क्योंकि मेरे से तो चढ़ा नहीं जाएगा, है ना? हाँ तू दा भी नहीं सकती पत्तल। अरे पत्तल नहीं, ये बोल, इसको तो फेंक के बता देंगे। अबे चुप, इतनी देर से हवाबाजी काटे जा रहे हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें, ये पहाड़, अबे ये तो छोटा सा पहाड़ है, इस पहाड़ को तो मैं यूं हाथ लंबा करके इस चोटी को यूं पकड़ लूं। हाँ जिराफ हो ना। अबे हट ना तू, मैं बताता हूँ तुम्हें, एक दिन तो मैं नींद में उठ के चल पड़ा और चलते चलते माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गया। मिस्टर उसको सपना बोलते हैं। ये लात को बैठ से नीचे नहीं उतरता, चूचू करने के लिए पहाड़ पे जाएगा। अरे छोड़ो, अगर ऐसी बात है ना तो देख लेंगे, आ जाओ कौन चढ़ता है उस पहाड़ की चोटी पे। रेडी हो? 1 2 3
थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ। वैसे भी सारे बहुत पीछे रह गए, जब तक आएंगे आराम कर लूँगा। वैसे तोतला पता नहीं क्या खाता है, साला बिल्कुल रेल की तरह भागता है। कहीं इसकी लॉलीपॉप में तो गड़बड़ नहीं है कुछ। चल चल मैं आराम करता हूँ। अबे तोतले तू, अबे तेरे को तो मैं बताता हूँ, रुक जा तू एक मिनट, रुक जा। तूने तो जान ही निकाल दी थी। ये ले संभाल लो, अबे घर से चला ले जा रहा हूँ और नहीं चल सकता मैं। अबे तोतले तेरे को दो लॉलीपॉप और दूंगा। अबे भाई मेरे को ले जा। अरे वाह, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे आज पता चला। अबे तोतले, तेरी दो की जगह मैं चार लॉलीपॉप दूंगा अब तुझे। अरे चुप हो जा जिराफ। वैसे मैं चोटी पे तो जाके रहूंगा। बली हींगे फांकला था, ऐसे तक जाऊंगा, ऐसे तक जाऊंगा। ये देखो गाइस, मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका हूँ, पहाड़ के बिल्कुल पीक पॉइंट पर। और मैं तो चढ़ा जो चढ़ा, ये देखो ये चढ़ ही नहीं पाए, इनको भी मैं उठा के लाया हूँ उठा के। पहले मैं चढ़ा, फिर मैं नीचे गया, एक को उठा के लाया, फिर दूसरे को उठा के लाया, फिर तीसरे को ऐसे उठा के लाया हूँ फिसड्डी कहीं के। अबे कुछ खाया पिया करो, ऐसे नहीं चढ़ पाओगे पहाड़ों पर। सीखा कुछ मुझसे? अबे ओ इधर ला। हाँ तू इधर ला। हाँ बोल तोतले। आ आ हे जीरे। अच्छा तुम्हें पता है अब हम कहाँ हैं? कहाँ पे? जिसके लिए ऋषिकेश जाना जाता है, नीलकंठ मंदिर। ओह अच्छा। और अब हमें यहाँ से नीलकंठ मंदिर तक पैदल जाना होगा। और नीलकंठ मंदिर के बारे में मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। जब भोलेनाथ ने विष पिया था तो यहाँ आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, और उसी जगह फिर मंदिर बना दिया गया, जिसको नीलकंठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और मंदिर के अंदर नंदी जी है, उनके कान में तुम अपनी विष मांग सकते हो, सारी विशेष पूरी होंगी। सारी विशेष? पक्का प्रॉमिस? हाँ पक्का प्रॉमिस, लेकिन किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं भोलेनाथ की शरण में। चलो। होप्स सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक इम्पोर्टेंट बात आप सबके लिए, ये शूट मैंने ऋषिकेश में किया है, और ऋषिकेश में जहाँ मैंने स्टे किया था, अंबिका रिजॉर्ट, काफ़ी अच्छा इनका स्टाफ था, काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस थी। कभी भी आप ऋषिकेश आओ तो ज़रूर विजिट करना एक बार अंबिका रिजॉर्ट।